बुलंदशहर में लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीजों को देखते हुए बुलंदशहर प्रशासन अलर्ट हो गया। बुधवार सुबह से ही जिले के डीएम और एसएसपी ने सिकंदराबाद और खोजा इलाके में क्वारंटीन सेंटर और हॉटस्पॉट सेंटर का दौरा किया। बुधवार को बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बुलंदशहर प्रशासन हरकत में आ गया है। जिले के डीएम और एसएसपी ने कमान संभालते हुए सिकंदराबाद इलाके में क्वारंटीन सेंटरों का दौरा किया। बुलंदशहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 157 हो चली है, तो इनमें से 96 मरीज कोरोना जैसी महामारी से जीत हासिल कर अपने घर पहुंच चुके हैं। 61 संक्रमित पॉजिटिव मरीजों का इलाज L1 में चल रहा है। देर शाम जिलाधिकारी और एसएसपी खुर्जा पहुंचे, जहां खुर्जा के विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए 200 लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया गया। जिलाधिकारी ने खुर्जा और सिकंदराबाद में हॉटस्पॉट ऑफ का दौरा किया, तो वहीं बाहर से आए प्रवासियों से क्वारंटीन सेंटर में जाकर उनका हाल जाना। देखिए, हम लोग अभी खुर्जा के कालिंदी कुंज में हैं। बीकेडीए बुलंदशहर खुर्जा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ये बिल्डिंग बनाया गया है। इसको कुछ दिन हम लोग क्वारंटाइन सेंटर और आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किया गया था। बीच में जब लोगों की संख्या घटी जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में आए थे और कुछ लोग बचे थे, हम लोगों ने उसको दूसरी जगह शिफ्ट करके इसका रेनोवेशन किया है, आगे के लिए तैयार किया है, ताकि आगे जो लोग आएँ उसे उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो। सब में नए नए बिजली के पंखे लगे हैं, आप देख रहे हैं कि पूरी पेंटिंग हुई है स्थानीय कलाकारों द्वारा, पूरा रेनोवेशन हुआ है। इसमें VCBDA ने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं, परंतु अभी सामाजिक दायित्व के तौर पर हमारे जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं या पॉजिटिव कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। कंटेंट सेंटर के बाहर स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाई कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए प्रेरणा पेंटिंग कलाकारों का ताली बजाकर स्वागत किया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ इफ्राह खान, Time 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।